सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 30 अप्रैल से कुछ ऐसे चुनिंदा स्मार्टफोन आने वाले हैं जिनके अंदर से फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पूरी तरह से हट जाएगा। इन स्मार्टफोन को अगर आप यूज़ करते हो इनके ऐसा आप बढ़िया एसेंस से इनको यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, 30 अप्रैल के बाद ये ऐप स्टोर से पूरी तरह से हट जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो जो कंपनी है, जो बेसिकली जिस कंपनी के स्मार्टफोन है उसका नाम है विंडोज़ फ़ोन। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो भी विंडोज़ फ़ोन है, जो पुराने विंडोज़ फ़ोन उनके अंदर से तो पहले से ही व्हाट्सअप पूरी तरह से हटा दिया गया था। 2017 के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी किसी भी तरह का कोई विंडोज़ फ़ोन मार्केट में नहीं उतारा है और ना ही कोई लॉन्च किया है और पूरी तरह से, और दिसंबर 2019 के बाद में किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आएगी। इन केस फिर सीधी सी बात है, पूरी तरह से फ़ोन अनसिक्योर होंगे और साथ ही 30 अप्रैल से फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पूरी तरह से ऐप स्टोर के, जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है, वहाँ से हटा दी जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप स्टोर है, ये तीनों एप्लीकेशन वहाँ के काफ़ी बेसिकली तीनों एप्लीकेशन पूरी टॉप पर हैं, फिर भी हटा दी जाएंगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि आने वाले टाइम में हम किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं देंगे दिसंबर 2019 के बाद में। और पहली बात आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज आना शुरू हो भी गया है कि 30 अप्रैल के बाद में आपकी डिवाइस के अंदर इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे। पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दूं कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो और साथ ही आप वेब ब्राउजिंग यूज़ कर सकते हो, पर जेन्युइन जो एप्लीकेशन आप जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते थे वो आप 30 अप्रैल के बाद में आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि हम हमारे फ़ोन के अंदर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी अपडेट देंगे नहीं, जिसकी वजह से आप बढ़िया एसन से एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे और साथ ही एप्लीकेशन ऐप स्टोर से पूरी तरह से हटा दी जाएंगी। तो काफ़ी बुरी अपडेट उन यूज़र के लिए जिनके पास आज के दिन विंडोज़ फ़ोन है। विंडोज़ फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो इन केस, तो आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर आपके पास ऑप्शन है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, या फिर आप वेब ब्राउजिंग यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो। और जाहिर सी बात है आगे चलकर ये इनके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगी तो इन केस ये काफ़ी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो इस केस में आपको फ़ोन बदल लेना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आज के दिन भी फ़ोन बनाना बंद कर चुका, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पहले से फ़ोन बनाना बंद कर चुका है और ना ही किसी तरह की कोई सिक्योरिटी अपडेट आगे चल के आपको देगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।